कोका विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर और सभापति से कोका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं तथा विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और ज्ञापन भी सौंपा। कोका क्षेत्र में आज भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आवारा सुअर और कुत्तों की है। ये आए दिन क्षेत्र के किसी न किसी को घायल कर देते हैं और इनकी वजह से क्षेत्र भर में गंदगी का आलम भी बना हुआ है। रही सही कसर नगर पालिक निगम भिलाई की टीम द्वारा पूरी कर दी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा इस क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोका विकास समिति के सदस्यों ने निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल को ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है और जल्द ही निराकरण की मांग भी की है। साथ ही क्षेत्र में अन्य समस्याओं के तौर पर क्षेत्र में स्थित दो तालाबों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के साथ साथ धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के मुद्दे पर निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू से लंबी चर्चा भी की गई। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं सभापति गिरिवर बंटी साहू ने कोका विकास समिति के सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना है और इसके त्वरित निराकरण की बातें भी कही हैं। समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दिए गए ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को जानकारी दी। जैसा ज्ञात हो कोका वासियों को और सारे लोगों को कि पिछले कुछ दिनों से सुअर को लेकर यहाँ जो हमारे कोका एरिया में जितनी समस्याएं व्याप्त है, तो उसको लेकर हम लोगों ने महापौर और सभापति महोदय से एक व्यापक चर्चा की है और उसके बारे में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ हम लोगों ने भेलवा तालाब और सीता तालाब, जो कि हमारे लिए आस्था का एक केंद्र है जहाँ सारे धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम होता है, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी हम लोगों ने एक व्यापक चर्चा की है। उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है महापौर महोदय और सभापति महोदय को। शिकायतें तो लगातार अलग अलग स्तर पर, सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे सभी लोगों ने समस्याएं की है। जो लोग निगम तक नहीं पहुंच पाते हैं वो समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति को बताते हैं। फिर एक संगठन के तौर पर हम लोगों ने कोका विकास समिति के बैनर तले इस समस्या का निवारण हेतु हम लोगों ने निगम में ज्ञापन दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे भाई ईश्वरी भैया ने जैसे बताया, सुअरों का आतंक यहाँ काफी कोका में फैला हुआ है और हमें जैसे ज्ञात हो कि इसका टेंडर भी ऑलरेडी निकला हुआ था। अभी कुछ दिन पहले हमको ये भी पता चला कि टेंडर निरस्त हो गया है, मगर हम सभापति जी से और महापौर जी से एक बार निवेदन करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक ज्ञापन दे चुका है, हमने आश्वासन दिया है कि इसके प्रति ध्यान दिया जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इससे यहाँ के रहवासी जो है कोका विकास समिति के पास आके अपनी समस्याएं बताते हैं, तो इसका निवारण करने के लिए हमने उनसे व्यापक चर्चा किया है, उन्हें आश्वासन दिया है, मगर अभी तक इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ हमारे जो दो मुख्य तालाब यहाँ शीतला तालाब और भेलवा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य करने के लिए भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है, तो उनसे हमने व्यापक चर्चा किया हुआ है। मगर मुझे इस बात का एक ताज्जुब होता है कि जो चीज़ का टेंडर निकला हुआ है उस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया, तो एक चर्चा का विषय है। कोका विकास समिति के गठन के बाद से ही समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी लगातार क्षेत्र की समस्याओं की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराने में लगे हुए हैं, परंतु अब तक क्षेत्र में किसी भी समस्या का निराकरण होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर समिति के सदस्य काफी चिंतित हैं और अब ऊंचे स्तर पर इसकी शिकायत करने का मन बना रहे हैं। देखना होगा कि कोका विकास समिति के प्रयासों को कब तक सफलता मिलती है और कब क्षेत्र का उद्धार हो पाता है। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।